अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप देख रहे हैं जी आइकन, और मैं शेयर करने लगा हूँ आपसे ई सिगरेट और इस तरह के जितने भी बाकी डिवाइसेज हैं ना, शीशा भी आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक का आ रहा है तो उसके ऊपर बड़ी सख्ती है। बारहा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज़ की जानब से अनाउंसमेंट और पकड़ दकड़। अभी जो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, कहीं से भी कोई बंदा सेल करते हुए पकड़ा गया उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 500 रियाल जुर्माना होगा, और अगर वो ये वॉयलेशन बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं ये जुर्म, तो फिर उनके लंबे लॉ भी लग सकते हैं। और जो फिर मिनी मिनी वाले हैं ना, पार्ट टाइम वाले बड़े लोग ये काम करते हैं, ठीक है ना, वो भी महतात रहें। महतात क्या, छोड़ दें, उल्टे काम जो है ना वो करने नहीं चाहिए, तो उनके भी लॉ लगेंगे। और ज़्यादातर को तो इन चक्करों में जो है ना, जो भी इस तरह के केस में पकड़ा जाए उसको डिपोर्ट कर देते हैं, सही है ना। सो कोशिश करें कि नशे से दूर रहें, और बाकी क्या है कि ये ख़तरनाक भी है, सही है ना। बड़े लोग ऐसे शशके के लिए ले लेते हैं, शो ऑफ के लिए, कहीं बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा डिसेंट लगता है, इसमें कौन सी वो है क्रिएटिविटी है कि आपके हाथ में ई सिगरेट होगी तो जो है ना आपकी बात में वजन आ जाएगा। ये कोई ऐसा फेल नहीं है, ठीक है ना, इससे आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो डिग्रेड ही होती है। बहुत सारे आम लोग जो हैं उनको लगता है कि ये बड़ा एडवांस चीज़ है, और जिसके हाथ में है बस वो, जिस तरह ये आईफोन अगर है ना, 3 अंकों वाला आपके पास मोबाइल है तो आप अमीर हैं या पता नहीं कितने डिसेंट हैं, ये कोई निशानियाँ नहीं है, ये जहालत की जो है ना निशानियों में से निशानी है। बहरहाल सीन क्या है कि इस चीज़ से दूर रहें, बेशक आप दिखावे के लिए रखते हैं या फिर क्या है कि आप यूज़ करते हैं, कुछ भी है ख़तरनाक है। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।